हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग लाइफ में दोस्तों। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आज दोस्तों अक्टूबर की 20 तारीख हो गई है दोस्तों। तो आज हम जानेंगे कि अक्टूबर के मंथ में गुड़हल के प्लांट के ऊपर ज़्यादा फूल पाने के लिए सबसे सीक्रेट तरीका आज आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो मैं आपका दोस्त बिंधेश कुमार माली। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के एंड तक। तो गाइस ये हमारा देखिए, ये करीब 2 साल पुराना गुड़हल का प्लांट है, हिबिस्कस का, जो कि बहुत ही मल्टी कलर है और ये हाइब्रिड वैरायटी है और ये कलकत्ते की वैरायटी है दोस्तों। पूना और कलकत्ते की जो ग्राफ्टिंग वैरायटी होती है गाइस, इसके अंदर मिट्टी लाल कलर की होती है और ये बहुत बढ़िया फ्लावर देते हैं, लेकिन इसका थोड़ा केयर करना पड़ता है स्पेशल, क्योंकि कई लोग ये पॉल प्लांट नर्सरी से खरीद कर ले जाते हैं पर नर्सरी में फूल खिले होते हैं, उसके बाद घरों में ये फूल देना बंद कर देते हैं। तो इसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या इलाज है, क्या इसकी फर्टिलाइज़र है, आज हम इसी विषय के ऊपर विस्तार से दोस्तों बात करेंगे, क्योंकि मुझे 25 साल का अनुभव है। मैं बिंधेश कुमार माली दोस्तों। तो गाइस जो प्लांट देख रहे हैं बिल्कुल हेल्दी है, स्वस्थ है। हमारे बहुत से साथियों का कमेंट होता था कि हमारे गुड़हल के प्लांट में फूल नहीं खिलते, कलियां खिलती हैं तो कलियां गिर जाती हैं या फिर उसमें अंदर मनी बैग का अटैक पड़ जाता है। तो गाइस आप देख पा रहे होंगे मेरा 12 इंच गमले में, मिट्टी के गमले में बिल्कुल हेल्दी और स्वस्थ प्लांट है, बिल्कुल आपके सामने है। इसके अंदर मैं क्या फर्टिलाइजर देता हूँ, क्या ट्रीटमेंट अपनाता हूँ, क्या इसके अंदर देख रेख करता हूँ, इसी के बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप है दोस्तों कि हमें इसके अंदर इस प्रकार से जो हमारा फ्लावर देना बंद कर फूल ख़त्म हो जाता है तो हमें इसके अंदर रिमूव कर देना है। इनके सूखे ब्रांच को, सूखे पत्तियों को हमें तोड़ देना है और इसके बाद समय समय से हमें गुड़ाई करते रहना है। इस तोड़ने से क्या होता है कि हमारा जो फंगीसाइड है या मिनी बैग का अटैक है उसके बहुत कम चांसेस बनते हैं, यानी कि हमारे मिनी बैग अटैक करना बहुत कम चांस जो रहता है। तो आप लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आप लोग समय समय से इसके अंदर खरपतवार तथा फजूल की जो इसके अंदर पीले पत्ते हैं उस चीज़ को हमें समय समय से रिमूव करते रहना, इन्हें निकालते रहना है। तो अगर इसको उसके बाद अगर गुड़ाई करते रहना है गाइस, गुड़ाई करने का जो समय है वो सुबह के टाइम करना है। और जब कभी भी अपने प्लांट में अगर हम वाटरिंग करते हैं, पानी वाटरिंग करते हैं, तो जैसा कि अक्टूबर का मंथ चल रहा है अभी और इस मौसम में हमें पानी की मात्रा बहुत कम करना है, जब तक हमारी मिट्टी अच्छे से ड्राई ना हो जाए, अच्छे से मेरी मिट्टी सूख ना जाए, तब तक हमें उसके अंदर वाटरिंग नहीं करना है। कई लोग क्या सोचते हैं दोस्तों कि ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो इससे हमारे प्लांट को भारी मात्रा में नुकसान हो जाता है। हमारे प्लांट में जैसे ज़्यादा ओवर वाटरिंग हो जाता है दोस्तों तो उसके अंदर फंगिस पैदा होने लगती हैं और फंगिस से ही मिनी बैग का अटैक हो जाता है, या फिर हमारे प्लांट में क्या कई बार क्या होता है कि धूप ना लगने के कारण, मिट्टी में ज़्यादा नमी होने के कारण भी फंगिस लगनी शुरू हो जाती है और उसके अंदर बहुत कम ही फूल आते हैं। तो दोस्तों अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो सबसे बढ़िया देखिए आप देख रहे हैं ये मस्टर्ड केक है, जिसको हम अपने शुद्ध हिंदी में बोलते हैं कि सरसों की खली। जी हाँ, सरसों की जो खली जो होती है, जो किसी चक्की या चक्की वाले से या फिर किसी खल बीज की दुकान से, चूनी चोकर की दुकान से आपको बड़े आसानी से मिल जाएगी। अगर आप इसको 1 किलो ले आते हैं तो आपका 1 साल ये ख़त्म नहीं होता है। बहुत ही परफेक्ट इसका सिस्टम होता है, सरसों की जो खली होती है उसको उपयोग करने का जो तरीका है उसके बारे में आप अगर जान लेते हैं तो आपका गुड़हल, मोगरा, जस्मीन, गुलाब सारे फूल वाले प्लांट अच्छे से इनको ये फ्लावर देता रहता है। तो ज़्यादा फूल पाने के लिए हमें मेस्टिक केक का उपयोग करना है। मेस्टिक केक बोले तो सरसों की जो खली है ये, इसमें गर्मी बहुत होती है, इसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा पहुंचा देता है ये। तो आप सर्दी में कई बार प्लांट हमारे जो है कम गर्म होते हैं तो फूल देना बंद करते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा ये सीबेड दाना, जो कि आपको सीड्स के दुकान पर अथवा नर्सरी पर या किसी बीज भंडार के ऊपर भी आपको ये सीबेड दाना मिल जाएगा। 40 रुपये किलो के हिसाब से आपको किसी भी जगह से बड़े आसानी से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। सीबेड दाना में इनके अंदर भी कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जिससे हमारे प्लांट को पूरी भरपूर एनर्जी मिलती है।
तो अगर आपने गुड़हल लगा रखे हैं तो इस तरह से फर्टिलाइजर सर्दी के महीने में देना चाहिए। मस्टर्ड केक में सर्दी बहुत ठंडी लगती है तो उससे भी ये हमारा प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है। उसके बाद सीवेट, ये लिक्विड है दोस्तों, सीवेट लिक्विड अगर आपके पास है तो यूज कर सकते हैं, अगर नहीं है तो भी चल जाएगा। अगर सीवेट लिक्विड है तो आप 5 लीटर पानी में कम से कम 5-10 जो ग्राम डालना है, 10 ml मान के चलो इसके अंदर डाल देते हैं एक बाल्टी पानी में, और इसको घोल बना करके हमारे जितने भी फूल वाले प्लांट हैं, कोई भी फ्लावर वाले प्लांट हैं हमारे, तो उसमें हम इसको दे देंगे। ये भी बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। तो आप लोग ये प्रक्रिया अगर अपनाते हैं तो आपके गुलाब वगैरह में सारे में अच्छे से फ्लावरिंग करता है। ये भी एक खाद है दोस्तों, मैंने ऑनलाइन मंगाई थी या नर्सरी पे भी मिल जाती है, आप इसका नाम देख लीजिए। ये सारे कीटनाशक के लिए भी हैं और हर ऑर्गेनिक भी है, और ये सारी तरह से सभी प्लांट में डालने के लिए है, के लिए होता है। तो आप नर्सरी पर जाएँगे तो आपको तरह तरह की खादें, फर्टिलाइजर वगैरह आपको मिल जाएगी। तो आप लोग जो है जो नर्सरी से जाकर के इस तरह से बहुत वैरायटी की खादें आती हैं, पर मेन जो मैं बता दिया आपको कि सीवेट दाना, सीवेट लिक्विड और सबसे सुंदर खाद जो सर्दी में पूरी तरह से फूल देने का जो काम करता है, गर्माहट देता है प्लांट को, वो होता है हमारा मस्टर्ड केक यानी कि सरसों की खली। तो आप लोग अगर सरसों की खली देते हैं तो हमारे प्लांट में पूरी गर्मी देती है ये, और इससे आपके प्लांट में काफ़ी हद तक फ्लावर आने के चांस हो जाते हैं, यानी कि पूरी ये इसको जो है प्लांट में गर्माहट देता रहता है। और उसके अंदर दोस्तों ये हमारा 1 लीटर जो मैंने पानी में देखा था एक बाल्टी में, इसके अंदर हमारा ये है जैक्सिम सोल्ड। जैक्सिम सोल्ड भी आप नर्सरी से ला सकते हैं, खाद वैसे बहुत हैं गाइस, आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। जैक्सिम सोल्ड भी आपको 30-40 रुपए किलो के रेंज में आपको मार्केट में बड़े आसानी से मिल जाएगी, तो आप जैक्सिम सोल्ड भी ला सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप एनर्जी ज़्यादा पाने के लिए इसके अंदर फलों के इसके छिलके, सेब के छिलके, केले के छिलके, आलू के छिलके अथवा प्याज वगैरह के छिलके अगर आपके पास पड़े हैं तो आप लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं गमलों के अंदर। उसके बाद इसके अंदर सर्दियों में जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप लोगों को वाटरिंग नहीं करना ज़्यादा, जब तक अच्छी तरह से मिट्टी हमारी सूख नहीं जाती तब तक हमें ज़्यादा पानी इसके अंदर नहीं डालना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है गाइस। और हमारे प्लांट्स को, जितने भी हमारे प्लांट्स हैं, हिबिस्कस, गुड़हल या मोगरा, जैस्मिन वगैरह, तो इनको फुल सनलाइट के धूप में रखना है। कोशिश करें कि जहां पर आपकी 8 घंटे की सनलाइट आती है, धूप आती है, वहां पर बहुत बढ़िया से सर्वाइव ये करेंगे। तो गाइस आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर प्लीज़ अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हमें पहली बार देख रहे हैं दोस्तों तो आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए सारा मेरा घोल ये तैयार हो चुका है, और मैं इनको गुड़ाई करने के 2 दिन बाद आपको हमें इस फर्टिलाइजर को जो मैंने लिक्विड तैयार करी है घरेलू नुस्खा, ये हमें शाम को डालना है। एक एक जग सब में डाल देना है, जितना हमें पानी डालना है उतना ही डालना है। और एक बात और बताना चाहूँगा कि हमेशा गमले में मिट्टी 2 इंची कम ही भरना है, ताकि हमारा कोई खाद फर्टिलाइजर वगैरह जो हम इंटर करेंगे वो अच्छे से इसके अंदर चला जाए। उसके बाद जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि बहुत सारे मार्केट में लिक्विड आते हैं तो आप अपने हिसाब से प्रचाइज कर सकते हैं, पर इन सब में 3 खाद सबसे परफेक्ट है, और वो है DAP, सल्फर 1919 और ये मस्टर्ड केक। ये चीज़ अगर आप यूज करते हैं तो आपके प्लांट में कभी फूलों की कमी नहीं होगी। वैसे हिबिस्कस का जो टाइम होता है वो गर्मियों का होता है, बट सर्दी में भी ये अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं, तो अच्छे से फ्लावरिंग आपको देते रहते हैं। क्योंकि हाइब्रिड की जो वैरायटी होती है दोस्तों, ये बहुत नखरीले प्लांट होते हैं, इनको फुल सनलाइट में रखना होता है, और ये प्लांट भी 100-100 रुपये से ऊपर ही आते हैं। धन्यवाद।